नोट्स मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जब आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, चैप्टर्स बहुत सारे होते हैं, तो आपको यहाँ पे ऐसे नोट्स बनाने होते हैं जहाँ पे कंसाइजली हर एक चीज लिखी हो, ताकि जब आप बहुत दिनों बाद भी अगर उस चैप्टर को खोलते हो अपने नोट्स में, तब आपको उस नोट्स को पढ़ते हुए याद आए कि अच्छा टीचर ने इस पॉइंट पे ये लिखा था। लेकिन ये सिंपल सी चीज करने में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, वो ऐसे नोट्स बना लेते हैं जिनको वो एंड में रिवाइज ही नहीं कर पाते, वो पढ़ते हैं उनको कुछ याद ही नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने नोट्स बनाते टाइम ये बेसिक चीज अप्लाई नहीं करी होती जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जनरली अगर आप देखोगे तो कोई भी बच्चा दो तरीके से नोट्स बना सकता है, या तो वो जब भी टीचर को एक चीज एक्सप्लेन कर रहा है उसी के साथ साथ वो नोट्स बनाते जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत तरीका होता है, क्योंकि वो सिर्फ वही बच्चे करते हैं जिनको बस कोचिंग में जाके या फिर अपने बैचेस में नोट्स बना के अपने पेरेंट्स को दिखाना है कि अच्छा मैं नोट्स बना रहा हूं, मतलब मैं पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन उसकी चीज समझ नहीं रहे, क्योंकि एक्सप्लेन करते टाइम अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपका ध्यान सिर्फ लिखने में जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे। दूसरा तरीका जो नोट्स बनाने का होता है, जो कि मोस्टली बच्चे करते हैं यूज, ये होता है कि जब भी कोई टीचर एक्सप्लेन कर रहा है या फिर आप ऑनलाइन बैच से लेक्चर देख रहे हो, तो आपने बैठ के उस चीज को सुना, उस टॉपिक को, उसके बाद जब सर वहां पे फिर पॉइंट वाइज जब लिखवा दें तो उस चीज को आपने कॉपी कर लिया जो भी सर ने लिखा है। ये दो कन्वेंशनल तरीके चलते हैं आपके नोट बनाने के लिए, लेकिन ये जो दोनों तरीके हैं वो एकदम रॉन्ग है। ये क्यों रॉन्ग है ये आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपको एक प्रॉब्लम बताऊंगा जो कि आप सब लोग फेस करते हो। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी आप ऐसे नोट्स को जो आपने इस तरीके से बनाया है उसको बहुत दिन बाद जाके खोलोगे, क्योंकि जनरली क्या होता है आपके पास टाइम ऐसा बचता नहीं है कि आप डेली रिवाइज कर पाओ, अगर आप डेली रिवाइज करो तब तो बहुत सही, अगर लेकिन मोस्टली लोग ये जो नोट्स बनाएंगे अभी इसको एकदम एंड में ही खोलेंगे रिवाइज करने के लिए, तब क्या होगा उनके साथ कि जो चीज उनको उस समय समझ आई थी जब वो नोट्स बना रहे थे, वो उनको एकदम अब लगेगा कि मेरे को तो ये कुछ पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा कि ये लाइन मैंने क्यों लिखी थी, ये लाइन जो यहाँ पे लिखवाया सर ने इसका क्या मतलब है, समझ नहीं आ रहा है जब वो नोट्स को बहुत दिन बाद खोलेंगे। ये प्रॉब्लम आती है आपके। अब इसको कैसे टैकल करना है, इसके लिए आपको एक छोटा सा चेंज करना होगा अपने नोट मेकिंग के तरीके में, जो कि मैं आपको इस वीडियो में यहां समझाने वाला हूं। छोटी सी वीडियो होने वाली है ये, इसको पूरा देखो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो भी आप वीडियो लेक्चर देखने वाले हो, जैसे कि अगर ये जो नोट्स मेकिंग होती है वो मेनली फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में होती है, तो फिजिक्स के लिए मान लो आप एमर सर के लेक्चर देख रहे हो, तो उसमें आप वीडियोस को 1.5x या फिर उससे ऊपर की स्पीड में देखो, क्योंकि उनकी वीडियोस बहुत स्लो पेस पे होती है, तो अगर आप इस पेस पे देखोगे 2x तक भी देखते हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो पहले तो इस पेस पे देखना ताकि आप इस नोट मेकिंग के तरीके को ज्यादा अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने उस लेक्चर का स्पीड बढ़ा लिया, आपने रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है 1.5x 2x, लाइव लेक्चर मैं रिकमेंड नहीं करता हूं देखने के लिए, ठीक है। आपने रिकॉर्डेड लेक्चर को जैसी स्पीड बढ़ाया, आपको क्या करना है, कोई भी टॉपिक जब सर पढ़ा रहे हैं या फिर कोई भी सब टॉपिक चल रहा है या फिर कोई भी टॉपिक चल रहा है, जब तक वो टॉपिक खत्म ना हो तब तक आपको बस लेक्चर को देखना है बिना कुछ लिखे, ठीक है। एक बार वो टॉपिक खत्म हो या फिर वो स्लाइड खत्म हो जाए, उसके बाद क्या करना है, आपको लेक्चर को रोकना है। लेकिन जैसा कि आप पहले करते थे कि आपने लेक्चर को रोका और जो भी वहां पे पॉइंट्स उसको लिखना स्टार्ट कर दिया, वो आपको अब नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपने आंख को बंद करना है और रिकॉल करना है कि अभी अभी 5 मिनट 10 मिनट पहले सर ने क्या क्या पॉइंट्स बोले थे, और ट्राई करना है कि आप उसको एक ऑर्डर में बोलो, कि मतलब सर ने पहले मान लो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक चल रहा है, तो सर ने पहले डिस्टेंस के बारे में डेफिनेशन दिया कि वो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है, फिर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया कि ये एक डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, इससे आपको डायरेक्शन भी पता चलता है। फिर डिस्टेंस हमेशा अगर आप स्ट्रेट लाइन की बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा या फिर इक्वल होगा, ये आपने बात की। तो इस तरीके से आपको एक सीरीज में जो जो सर ने बोला वो ट्राई करना है रिकॉल करने का, कि क्योंकि अभी 5 मिनट पहले पढ़ाया। इससे क्या होगा कि अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो, मतलब आपको वो जो चीज़ें सर ने अभी बताई वो अच्छे से समझ में आ गई थी, तभी आप चीजों को रिकॉल कर पा रहे हो अपने वर्ड्स में, ठीक है। एक तो चीज आपको कंफर्म हो जाएगी कि अच्छा मेरे को समझ में आ गया, और ये जो आपने रिकॉल किया इसके कारण क्या हुआ, आपका ब्रेन एक्टिवली इन्वॉल्व हुआ इस चीज में, और आपका पहला डिविजन जो है यहाँ पे हो जाता है कि अभी आपने पढ़ा, आपके दिमाग ने एक्टिवली रिकॉल कर लिया कि अच्छा ये पॉइंट सर ने बोला था, ठीक है। और क्योंकि आप खुद से कर रहे हो तो ये ज्यादा परमानेंटली आपके दिमाग में अंदर बैठेगा, और अगर आप इसको फिर बहुत दिन बाद भी खोलोगे नोट्स को तब भी आपको याद रहेगा, क्योंकि अब ये सर का नोट्स ना हो कि ये आपका नोट्स बन जाएगा, क्योंकि ये आपने खुद के वर्ड्स में इसको रिकॉल कर लिया है। उसके बाद क्या करना है, अब आपने जो वीडियो रोक के रखी थी आपको देखना है कि अच्छा मैंने ये पॉइंट रिकॉल किया था, अब मैं उसको सर के नोट से देखूंगा, सर ने भी यही पॉइंट बताया था, ठीक है मैंने पहला पॉइंट सही याद किया था। वीडियो में आगे चलने से पहले आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पीडब्ल्यू आप लोगों के लिए 3 जुलाई से 8 जुलाई तक बहुत सारे ऑफर्स लेके आए हैं, जहाँ पे सारे बैचेस के प्राइसेस कम कर दिए गए हैं। यकीन 3.2 बैच जो कि 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और ड्रॉपर्स के लिए बहुत अच्छा बैच है, वो आपको बस 3600 रुपीज में मिलेगा इस ऑफर के दौरान। 11th के बच्चों के लिए अर्जुना नीट 2.0 बैच और 12th के बच्चों के लिए लक्ष्य नीट 2.0 बैच, ये बैचेस भी आपको सिर्फ और सिर्फ 3600 रुपीज में मिलेंगे। इन बैचेस में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे और हफ्ते में 6 दिन आपकी क्लासेस चलेंगी, हर दिन 3 लाइव लेक्चर्स आपके लिए जाएंगे। हर लेक्चर के बाद आपको डीपीपी तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, जो कि आपको क्विज फॉर्मेट के फॉर्म में मिलेगा, जिसके कारण आप इजीली अपने आप को एनालाइज कर पाओगे आपको लेक्चर समझ में आया या नहीं आया। शेड्यूल के हिसाब से आपके टेस्ट भी होंगे, जो कि आपको एक कॉम्पिटेटिव फीलिंग देगा, आपको कॉम्पिटिशन में बनाए रखेगा और आपकी प्रोग्रेशन को भी ट्रैक पे रखेगा। तो सारे बैचेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड अभी 150 यूज कर सकते हो। चलो वीडियो में आगे चलते हैं।
फिर मैं दूसरा पॉइंट याद करूंगा कि अच्छा हाँ ये मैंने पॉइंट याद रिकॉल किया था, सर ने भी ये पॉइंट लिखवाया, ठीक है। मैं रीचेक भी करते जाऊँ कि जो मैंने सोचा था वो सही मैंने सोचा था या नहीं सोचा था, या फिर मैंने कुछ गलत सोच लिया। इससे आपको ये कंफर्म भी होता जाएगा कि आप सही समझ के गए हो या नहीं गए हो, ठीक है। इसके बाद जब आप रीचेक कर रहे होगे तो आपको दिखेगा कि अच्छा एक दो पॉइंट मैंने स्किप कर दिया, मतलब मैं बिना बोले निकल गया, मैं रिकॉल नहीं कर पाया। तो उन पॉइंट्स को आप क्या कर लोगे, सर ने जैसे लिखवाया है वैसे आप कॉपी कर लोगे पॉइंट, और उसको आप हाईलाइट कर लोगे उस पॉइंट को, क्योंकि ये वही पॉइंट है जो आप अभी भूले हो, पांच मिनट पहले आपने पढ़ा है उसको आप भूल गए, मतलब कि ये पॉइंट आगे जाके आप भूल सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में आ सकता है और आप गलती कर सकते हो। तो इन पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर लोगे जो कि आप रिकॉल नहीं कर पाए थे, और जिनको आप रिकॉल कर पाए थे उनको लिखते समय ये ट्राई करना कि आप अपने वर्ड्स में लिखो, क्योंकि आप वो रिकॉल कर पाए थे तो मतलब आपको समझ में आ गया। अगर वो आप अपने वर्ड्स में कम वर्ड्स का यूज करके लिखते हो, पूरा सेंटेंस लिखने का जरूरत नहीं होता है फिजिक्स में। मान लो आपको लिखना है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो आप इसको पूरा ना लिख के लिखोगे सीधे डिस्टेंस इज इक्वल या फिर ग्रेटर वाला साइन लगा के डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक नोट बनाओगे ताकि ये आपके वर्ड्स में रहे, जब आप रिवाइज करने आओगे तो आपको याद आएगा कि अच्छा हाँ ये मैंने खुद लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है, ठीक है। वहीं अगर आप सर का जो सर ने पॉइंट लिखा है उसको छाप लेते हो तो उससे दिक्कत क्या आएगी, उस समय तो आपको लगेगा कि हाँ चलो मेरे को याद रहेगा, लेकिन एंड में जब अगर आपने समझ के नहीं लिखा होगा उसको तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर प्रॉब्लम बताया था। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि यही सबसे पहले आपने दो रिवीजन यहाँ पे कर लिए साथ साथ, एक जब आपने रिकॉल किया और दूसरा जब आपने फिर से रीचेक किया तब आपने दूसरा रिवीजन किया। दूसरी चीज़, आप एक भी टॉपिक को अगर इस तरीके से कवर करते हो तो उसको जल्दी भूलोगे नहीं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ऐसा हो जाता है कि ये आपने खुद से नोट्स बनाए हैं खुद से सोच। ऑल्सो आपको इस तरीके से ये भी पता चलता है कि आपने ये टॉपिक जो अभी आपने देखा ये आपको समझ में आया है, या फिर आपको एक इल्यूजन हो रहा है कि नहीं मेरे को समझ में आ गया लेकिन असली में आपको समझ नहीं आया है, ठीक है। तो अगर आप रिकॉल कर पाते हो कोई चीज़ को वो तभी कर पाओगे जब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट आपको इससे मिलता है। उसके बाद जब आप रिकॉल करने के बाद एक नोट्स बनाते हो तो एकदम क्रिस्प और इजिली रिवाइजेबल नोट्स बनता है, जो कि आपको बहुत आगे हेल्प करेगा टाइम बचाने। एक बहुत बच्चों को यहाँ डाउट भी आता है कि भैया अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो इससे टाइम भी तो हम लोग को बहुत ज़्यादा लगेगा। तो देखो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं बताता हूँ, जितना आप इनिशियली नोट्स मेकिंग में टाइम दोगे, जितना आप लेक्चर देखने में डिटेल चीज़ों को पढ़ने में टाइम दोगे, उतना आपको एंड में कम टाइम लगता है रिविजन में, ठीक है। तो ये टाइम आपको इनिशियली हो सकता है ज़्यादा लगे, आधा घंटा आपको ज़्यादा लग सकता है ऐसे जितना आपको इनिशियली लगता हो, लेकिन ये आधा घंटा आपको बाद में काफ़ी घंटे काफ़ी दिन बचाएंगे रिविजन्स के लिए, क्योंकि आप खुद लिख के जाओगे तो आपको रिविजन करने में बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम आएगी जो कोचिंग में जाते हैं ऑफलाइन कोचिंग्स में, उनको ये करने में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वो चीज़ों को रिकॉर्ड लेक्चर्स को रोक नहीं सकते हैं, वो रिवाइंड नहीं कर सकते हैं। उनको क्या करना है, देखो वो इस तरीके से नोट्स बनाएंगे जो कि यहाँ पे था, मतलब टीचर ने जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वहाँ पे रुक के उन्होंने सुन लिया, उसके बाद फिर नोट्स बना लिया जब सर ने जो भी चीज़ लिखवाई उसको लिख लिया। उसके बाद उनको एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या करना होगा कि वो जब भी घर पे आएंगे तो घर पे आके उनको जो भी आज पढ़ाया गया उसको रिकॉल करेंगे बैठ के कि अच्छा सर ने यहाँ से स्टार्ट किया था लेक्चर को और यहाँ पे खत्म हुआ है, ये पॉइंट सर ने कवर किया। जो भी पॉइंट्स वो स्किप कर देंगे मतलब वो रिकॉल नहीं कर पाएंगे, उनको उसको हाईलाइट कर लेना है उनके नोट्स में जो कि वो ऑलरेडी लिख चुके हैं, और जो पॉइंट्स वो रिकॉल कर पा रहे हैं मतलब वो चीज़ समझ चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से उनका एक रिविजन हो जाएगा घर आने के बाद। और जिनको यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ रहा है कि भैया जो नोट्स के बीच में फिजिक्स फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस करवाए जाते हैं उनका क्या करना है, तो यहाँ आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है तो उसको देख लेना। तो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ऐसी और इंटरेस्टिंग और यूनिक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज इस चैनल।